और अब अगली खबर भागलपुर से, जहां एक घर में एक साथ 5 शव मिले हैं। अब तक ये साफ नहीं है कि मामला हत्या का है या फिर खुदकुशी का। पुलिस हर एंगल से जांच कर रही है। दिखाते हैं आपको भागलपुर से रिपोर्ट। 5 लाशें, 4 का गला रेता हुआ, 5वां फंदे पर झूलता हुआ। इस घर में जब पुलिस पहुंची तो उसे यही भयावह दृश्य देखने को मिला। 12 अगस्त की रात यहां ये अनहोनी हुई। सुबह दूध वाला आया, दरवाजा नहीं खुला तो पुलिस बुलाई गई। पुलिस ने दरवाजा तोड़ा तो उसके होश उड़ गए। ये भागलपुर पुलिस की कांस्टेबल नीतू का घर है। जो लाशें मिली हैं उनमें नीतू, उसकी सास, उसके 2 बच्चों के गले रेते हुए थे, जबकि नीतू का पति फंदे से लटका हुआ था। नीतू के पति ने मरने से पहले एक सुसाइड नोट छोड़ा है। उसके मुताबिक नीतू ने बच्चों और सास को मारा, फिर पति ने गुस्से में नीतू को मारा। इसके बाद उसने खुदकुशी कर ली। पति ने नीतू से लगातार विवाद का जिक्र किया है। पति को नीतू पर शक भी था। पुलिस को हत्या की जगह पर एक खून से सना हुआ छुरा भी मिला है। एफएसएल की टीम 2 बार यहां की जांच कर चुकी है। डॉग स्क्वाड को भी बुलाया गया है। नीतू के फोन को भी खंगाला जा रहा है। हादसे के बाद समस्तीपुर से परिजनों को बुलाया गया, मगर वो कुछ बताने की हालत में नहीं है। तो जांच तो आएगा तो अभी तो पता लगेगा क्या इसमें कौन दोषी है। अब तो सब तो अपने लीला अपना परिवार समाप्त कर लिया। अब के नगर निगम हत्या किया है वो तो पता लग, जांच वाले को हम जांच पर ही भरोसा करते हैं। सुसाइड नोट में अब पति क्या लिखे, इनमें क्या अनबन है। हम लोग तो पुलिस वाले हम लोग देखते घर भी करने का फुर्सत फोन नहीं मिल पाता है। हम मांग करते हैं अधिकारी से कि अच्छी से जांच हो इसका, सीबीआई जो भी इसमें अच्छा पदाधिकारी की हाथ होना चाहिए इसमें जांच में, और बारीकी से जांच हो। सूत्रों के मुताबिक पुलिस एक सिपाही को हिरासत में लेकर उससे पूछताछ कर रही है। फिलहाल 5 शवों का जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज में पोस्टमार्टम हो रहा है। डीआईजी खुद इस मामले की निगरानी कर रहे हैं। इन सब के बीच शहर में सनसनी और सवाल दोनों बने हुए हैं। भागलपुर से आलोक वर्मा की रिपोर्ट।